व्यूअर्स, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे और खैरियत से होंगे और खुश होंगे। तो आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी एक कमाल का हेयर मास्क। ये हेयर मास्क आप हफ्ते में दो बार यूज करें और इसका रिजल्ट देख के आप खुद हैरान रह जाएंगे। मैं नहीं बोलती, आप मेरे बातों पर पूरा यकीन करें। पहले आप ये मास्क यूज करें, फिर इसके रिजल्ट मुझे कमेंट्स करके बताएं ये आपके हेयर के लिए कितने ज़्यादा बेनिफिट्स रहा। लास्ट वीडियो में मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया हाइलुरोनिक एसिड से बना हुआ स्किन का सीरम और क्रीम। आज मैं आप लोगों को बताऊंगी हाइलुरोनिक एसिड से आप कैसे हेयर सीरम या हेयर मास्क, जो भी बोलिए, इसे आप आसानी से बना सकते हैं। हाइलुरोनिक एसिड जितना हमारे स्किन के लिए इसके बेनिफिट्स है, उतना हेयर के लिए भी ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो देर ना करते हुए चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। और अगर आप फर्स्ट टाइम है मेरी चैनल पे, तो मेरी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में दिए गए बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, ताकि आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों के पास पहुँच सके। मैंने यहाँ पे एक पतीले में करीबन 1 कप ऐसा पानी लिया है, जिसको बॉयल होने के लिए गैस पे रख दिया है। फिर इसमें मैंने 1 टीस्पून ग्रीन टी ऐड कर दिया है और इसे बहुत अच्छे तरीके से बॉयल करना है। 5 मिनट तक इसे बॉयल करने के बाद फिर इसे आप किसी स्ट्रेनर से हेल्प से इसको छान लें। छान लेने के बाद इसको बिल्कुल ठंडा कर लेना है। यहाँ पे मैंने एलोवेरा जेल लिया है, करीबन 5 से 6 चम्मच एलोवेरा जेल लिया है। आप अपने बालों के लेंथ के अकॉर्डिंग ये एलोवेरा जेल ले। फिर इसमें मैंने ग्रीन टी इसमें ऐड कर दिया है और इसे अच्छी तरीके से मिक्स कर लेना है। इसे अच्छे से मिक्स कर लेने के बाद फिर इसमें मैंने यहाँ पे 2 से 3 विटामिन ई की कैप्सूल इस तरह से कट करके इसमें डाल दिया है। इसे डालने के बाद फिर मैंने यहाँ पे 1 टीस्पून के करीबन स्वीट आलमंड ऑयल मैंने इसमें ऐड कर दिया। आप चाहे तो कोकोनट ऑयल भी इसमें डाल सकते हैं। और अब आखिरी में इसमें मैंने 1 चम्मच ग्लिसरीन ऐड कर दिया है। ग्लिसरीन जो है ये हाइलुरोनिक एसिड के वैसे ही काम करता है। ये आपको बालों को स्मूथ एंड सिल्की बनाता है, आपके बालों को बहुत अच्छी चमकदार बनाता है। अब इन सारे चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेना है। मिक्स कर लेने के बाद अब मैंने यहाँ पे, ये ऑप्शनल है, आप चाहे तो इसे स्किप भी कर सकते हैं, लैवेंडर एसेंशियल ऑयल की कुछ बूंदें मैंने 2-3 बूंद इसमें ऐड कर दिया है और ये हमारा हेयर मास्क बन के बिल्कुल रेडी है। सबसे पहले आप अपने बालों को अच्छे से कॉम्ब कर ले और बिल्कुल ट्रायंगल फ्री कर ले। फिर इसे हल्के हाथों से मसाज करते हुए अपने पूरे हेयर पे अप्लाई करें। ये हेयर मास्क आपके हेयर को बिल्कुल स्मूथ और सिल्की बनाता है। इसे अप्लाई करने के बाद आप 1 घंटा तक इसे बालों में लगा रहने दें। 1 घंटे के बाद अपने बालों को शैम्पू से वॉश कर ले और पाइए बिल्कुल सॉफ्ट शाइनी हेयर। तो मिलते हैं नई एक वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। थैंक यू व्यूअर्स फॉर वॉचिंग माई चैनल।